विद्युत विभाग में एक नई सोच के साथ एक योजना को शुरू किया गया था, जिस योजना का नाम था ओटीएस योजना, और इसके सार्थक परिणाम मिले हैं। लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व विद्युत विभाग को मिला है, और इसका श्रेय मुझे लगता है ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को जाता है, क्योंकि इन्होंने इस योजना को शुरू किया था। सर, ये बताइए, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और 500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व, लगता है जिस सोच के साथ आपने शुरू किया था उसके परिणाम मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस सोच के साथ इस योजना को शुरू किया गया था उससे अपेक्षित उसके परिणाम मिल रहे हैं। और एक महीना तो दूर, अभी 15 दिन हुआ है, 8 तारीख से योजना लागू हुई है। मात्र 15 दिन में आपको मैं बता दूं कि 8,33,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है और 689 करोड़ रुपया इसमें जमा हुआ है कल शाम तक का। और दिन प्रतिदिन इसमें वो दैनिक जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। 30,000, 50,000 हुई, कल जो है 1,00,000 से भी ज़्यादा लोग एक दिन में इसका लाभ लिए हैं। तो बहुत ही आकर्षक योजना है, और मैं अभी भी अपने सभी बिजली के सभी उपभोक्ताओं से मैं कहूँगा कि आपकी किसी भी प्रकार की इस तरह की बकाया हो या इस उलझन में हो, आरसी कटी हो, या आपके पास आपराधिक मामले वाले केसेस हो, FIR हो, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सलाह है कि जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ लें, क्योंकि इस योजना का एक और पहलू ये है कि जो जल्दी आएगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस महीने तक जो लोग जुड़ेंगे उनको ज़्यादा लाभ देने की व्यवस्था है, उसके बाद के 15 दिन थोड़ा कम होगा, उसके बाद के 15 दिन और भी कम हो जाएगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इसका लाभ लें। एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कई जगह कई प्रकार से शायद विभागीय कर्मचारियों के व्यवहार की वजह से भी ऐसा हुआ हो, लेकिन ये कहीं कहीं ये संशय उपस्थित किया जा रहा है किसानों का जो नलकूप का बिल है उसको लेकर के। हमारी नीति, हमारी ओटीएस योजना बहुत स्पष्ट है कि किसानों के नलकूप के बिल का जो बकाया है उस पर जो ओटीएस लागू की गई है उसमें 31 मार्च तक का ही बिल को ध्यान देना है। उसके बाद का बिल ऑलरेडी सरकार ने घोषणा कर दिया है कि वो माफ़ किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद के बिल का कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ 31 मार्च तक के बिल का ओटीएस में समावेश होगा। 1 अप्रैल के बाद के बिल का हम लोगों ने ऑलरेडी बजट में घोषणा किया है सरकार ने, उस हिसाब से होगा, कहीं कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। कहीं कहीं लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जो पेपर मिल रहा है उसमें अप्रैल के बाद के बिल का भी शायद उल्लेख है, वो सिर्फ हमारे विभागीय गिनती के लिए है कि जिससे हमें मालूम पड़े कि हमने, क्योंकि हमें सरकार से सब्सिडी लेनी पड़ती है, तो उस गिनती के लिए है। बाकी आज हमने हमारे UPPCL के ट्विटर से भी हमने इस बात की स्पष्टता किया है, और मैं फिर से स्पष्टता करता हूं कि 31 मार्च 2023 तक का ही बिल किसानों को देना है, और उसी पर ओटीएस की जो भी छूट आपको मिलनी है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया सर, जो आपके चेयरमैन हैं आशीष गोयल लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कुछ जो आपके अधिकारी हैं वो इस ओटीएस योजना में सुस्ती दिखा रहे थे उनको हटाया भी गया और निर्देशित भी किया गया है, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही सर ये योजना आपकी चलनी है सर। न सिर्फ ये योजना तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि समय बद्ध है, समय 31 दिसंबर तक ही है, लेकिन जनरल भी हमारे बिजली विभाग के कार्यों में, जनता की सेवा में जो अधिकारी अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, और जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना, ये हमारी बहुत स्पष्ट नीति है, और हमारा UPPCL और उसके अध्यक्ष भी उसी नीति के तहत अपने उत्साह, उमंग और पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। मऊ से सर एक ट्रेन चली, उसका हालांकि फायदा मऊ से चली है लेकिन आजमगढ़ को भी मिला, जौनपुर को मिला, लाखों लोगों को मिला, और ये कहा जा रहा है कि जो कृषि करने वाले किसान हैं, जो साड़ी के बुनकर हैं, उसको इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? मैं माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मऊ से उन्होंने एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी मुंबई के लिए उन्होंने दिया है। मुंबई के साथ सामान्य रूप से पूर्वांचल के लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, लोग आते जाते रहे हैं,
और नौकरी के लिए, रोजगार के लिए हमारे क्षेत्र के हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मुंबई में रहते हैं, तो उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये कनेक्टिविटी। जब बच्चे हमारे मुंबई जाते थे तो कई बार इस गाड़ी में से उस गाड़ी में, जी उस गाड़ी में से उस गाड़ी में उनको करना पड़ता था। महिलाएं जब उनको बच्चों को मिलने जाती थी, बूढ़ी माँ अपने घर का चना और चावल लेकर के जब जाती जी थी तो उसको भी जाने में दिक्कत होती थी। तो वो तो एक पहलू है ही इस ट्रेन का और बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही मऊ के जो बुनकर हैं, उनका जो साड़ी का उद्योग है, जो रेशम का काम है और इस तरह के जो काम है, उनको उनका लगभग आधा व्यापार मुंबई के साथ होता है। तो उस दृष्टि से भी मुंबई की कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुंबई एक बार कोई चीज़ पहुंच जाती है तो फिर विश्व बाजार में भी पहुंचने में आसानी होती है। अभी एक नया क्षेत्र जो उभर करके आया है, किसानों की जो पैदाश है, उत्पादन है, वो भी अन्य बड़े शहरों में कैसे पहुँचे। मुंबई में जाएगा तो मुंबई के पोर्ट के मार्फत वो अन्य देशों में जाएगा। तो उस दृष्टि से भी, किसानों के आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से भी, इस सेवा का, रेल सेवा का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। मैं इसीलिए इसको एक रेलगाड़ी नहीं बल्कि विकास एक्सप्रेस मैंने नाम दिया है। ये सच में ये राज्य की, पूर्वांचल की और मऊ की विकास एक एक्सप्रेस आखिरी है। सवाल, यूपीए सरकार सर लंबे समय तक रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से रेल विभाग की योजनाओं की बात करी जाए, खुद आपने भी माना है कि 98,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, और ट्रेन भी आपने जरूर दी है, लेकिन आने वाले समय में जो मऊ का रेलवे स्टेशन है उसको भी आप विश्व स्तरीय करने की योजना बना रहे हैं सर। माननीय रेल मंत्री जी का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि मऊ के रेलवे स्टेशन को और मऊ सहित मेरे ख्याल से लगभग 500 रेलवे स्टेशनों को देश में अमृत योजना के अंतर्गत अमृत स्टेशन बनाने के लिए उन्होंने चिन्हांकित किया है। उसमें मऊ भी है, आजमगढ़ भी है, ऐसे सारे रेलवे स्टेशनों का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं कि भारतीय रेल न सिर्फ पैसेंजर ढोने का या सामान ढोने का एक साधन है, न सिर्फ एक यातायात का साधन है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की का ये ड्राइवर है, का ये वाहक है। तो उस दृष्टि से हमारे रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प होना एक बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ हमारे जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं, स्थानीय जो उत्पाद होता है उसको दिखाने की व्यवस्था हो, रेलवे स्टेशनों की जो ज़मीन है उसका आने जाने वालों के उपयोग के अतिरिक्त अन्य कमर्शियल उपयोग उसका हो सकता है। इस प्रकार से वहाँ की पौराणिक, वहाँ की स्थानीय कलाकृति को, वहाँ के स्थानीय धरोहरों को दिखाने का उसका उपयोग हो सकता है। इस प्रकार बहुत ही टूरिज्म की दृष्टि से, कॉमर्स की दृष्टि से, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की दृष्टि से, हर तरह से रेलवे में बहुत पोटेंशियल है। और मुझे बहुत खुशी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करूँगा कि इस पूरे पोटेंशियल को उजागर करने के लिए रेलवे विभाग ने अपनी कमर कसी है। आज का भारत का रेल का जो कामकाज है वो दुनिया के किसी भी देश के रेल की व्यवस्था से बहुत उत्कृष्ट होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।